जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कई बार छोटे सीन भी आपको खुशी दे जाते हैं, और वो भी ऐसे सीन जिसमें एक इंसान दूसरे पे तीर चलाता है और उसके ऊपर वापस तीर आ जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किस सीन की और किन की बात कर रही हूं। रकमा और गुनू जी, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब रकमा खंडेराव की खुशी में खुश हो, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जो खंडेराव की खुशी मतलब देवी अहिल्या की खुशी, और देवी अहिल्या की खुशी तो वो कभी चाहती ही नहीं है। तो प्रसाद किस बात का, बांट रही है मगर दी गई है ड्यूटी, बांट रही है मगर जैसे ही गुनू जी को वो मिलती है तो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात कर देती है। उसको अंदर क्या हुआ ये पता है नहीं पता है ये तो बात की बात है, मगर उसको इतना तो पता है कि अगर गुनू जी किसी बात से नाराज हैं, ऐसे तैश में चल रहे हैं, तो बात तो खंडेराव और अहिल्या से रिलेटेड ही होगी। तो क्यों ना बात को जाना जाए, क्यों ना आग में घी डाला जाए, रकमा का यही काम है। तो रकमा को यहां पे मजा आ गया, जैसे उसको उल्टा जवाब मिला जबकि जवाब देने वाले गुनू जी थे, मगर फिर भी रकमा ने प्रसाद दिया, गुनू जी ने प्रसाद लौटा दिया और रकमा समझ गई, जानी जान रकमा की दाल में काला है, गुनू जी के ऊपर कोई तो बात है। तो गुनू जी ने ना सिर्फ वो बात बताई बल्कि गुनू जी ने रकमा के ऊपर भी वो तीर चला दिया, ये कह के कि मैं तुक्कू जी नहीं हूं। जिस बात को रकमा दिन रात भूलना चाहती है कि मेरा पति देवी अहिल्या के पीछे पीछे घूमता है, देवी अहिल्या के पीछे पीछे घूमता है, बार बार उसके लिए प्लानिंग करती है, योजना करती है, कई बार तुक्कू जी का दिल भी दुखा चुकी है, मगर यहां पे गुनू जी जब ये बात कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं तुक्कू जी जो पीछे पीछे दुम हिलाता फिरूं, ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने, मैं गुनू जी हूं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सब डायलॉग आपने सुने। मगर यहां पे मजे की बात यह है दोस्तों कि जो दूसरों की आग में अपने हाथ सेक रही थी रकमा, ये चलो इसका भी मजा लेते हैं, है ना, जबकि उसको पता है गुनू जी की इरादे कैसे हैं, उसको नहीं पता होगा, उन्हीं की टीम की तो है वो, द्वारका रानी गुनू जी यही तो एक टीम है। तो रकमा को जब उल्टा जवाब मिला ना तो मजा आया कि अपने ही हाथ जला लिए, अब ये जो जलन है ये किस तरफ निकलेगी हमें पता ही है। मगर इस सीन ने एक चीज तो बिल्कुल हमें समझा दी कि अगर हम दूसरों के लिए, चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो, हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर भी उल्टा आ सकता है। इसलिए जब आप चाहे कहते हैं ना कि चाहे आप एक ही टीम में, आपके एक ही मंशा है, चाहे बुराई की हो, मगर एक दूसरे के साथ मिलके ही चलना पड़ता है, या फिर टोटली छोड़ दो, नहीं तो एक दूसरे के राज तो पता ही है। गुनू जी को भी पता है कि आप किस बात से ज्यादा पीड़ित होती हो, तो मारा उन्होंने तीर। तो देखते रह गई रकमा, बड़ा बोला प्रसाद का अनादर नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो तुमने अब तक किया क्या है, जब भी कोई तुम्हारी योजना शुरू हुई है रकमा की, वो प्रसाद से ही तो शुरू हुई है, तो वो क्या प्रसाद का मान होता है, भगवान के प्रसाद से आप किसी को गिराने की योजना बनाते हो तो वो अपमान ही होता है। तो ऐसे लोगों का जब अपमान होता है तो समझ में आता है कि कर्म हमेशा मुड़के वापस आते ही आते हैं, और वही रकमा को मिला। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.